तो जो दूसरा हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, कि जो तोआजन की हालत है, जो केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम की हालत में चले जाते हैं, तो उनकी कौन कौन सी नुमाया खसूसियात हैं, मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स नुमाया खसूसियात या अहम खसूसियात। तो जो सबसे पहली खसूसियत है इक्विलिब्रियम स्टेट में, वो ये कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन क्लोज्ड सिस्टम। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में जो इक्विलिब्रियम की हालत है वो सिर्फ क्लोज सिस्टम, क्लोज कंटेनर में मुमकिन होती है। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा जैसे हमने पीछे हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए एक बंद मुंह वाली जो है वो फ्लास्क यूज़ की थी, जिसमें जो है हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो रिएक्शन के बाद, यानी रिएक्शन मिक्सचर जो है इस क्लोज फ्लास्क के अंदर ही रहता है, किसी सब्सटेंस का इसमें तबादला नहीं होता, ना कोई गैस बनने वाली आयोडीन हम इसमें इस रिएक्शन के दौरान डालते हैं, ना वो इससे बाहर निकलती है। सिर्फ एक चीज़ का तबादला होता है, वो है हीट यानी हरारत। तो जो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान क्लोज सिस्टम में मुमकिन है और सिर्फ एक चीज़ का एक्सचेंज हो सकता है, वो है हीट। इसके अलावा इसमें और किसी किस्म के सब्सटेंस या एलिमेंट या मॉलिक्यूल का तबादला नहीं होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ ऑलवेज पॉसिबल इन अ क्लोज सिस्टम। सेकेंडली, जो हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान जब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, तो क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट या स्पीड है वो बराबर होती है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के या बैकवर्ड रिएक्शन के। यानी स्पीड, यानी ये बताता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। रिएक्शन चल रहा है लेकिन तवाज़न की हालत में है, रिएक्शन में साकन नहीं है। जैसे हमने कहा एक रिएक्शन का, हमने कहा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में के रिएक्शन जो है वो रुक जाता है, यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है और एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। सिर्फ ये होता है कि उनकी जो स्पीड है वो बराबर हो जाती है। तो एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कि नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम की स्टेट के दौरान, यानी केमिकल रिएक्शन के तवाज़न की हालत के दौरान, जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स जब इक्विलिब्रियम पे चले जाते हैं, तो इस दौरान जो है इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स इनकी कंसंट्रेशन जो है वो हालत तवाज़न में जाने के बाद चेंज नहीं होती। सिर्फ क्या बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की स्पीड बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फिज़िकल फिनोमेना में देखें, तो हमारे पास ये बैलेंस की हालत है। क्यों बैलेंस की हालत है, 75 ग्राम सब्सटेंस इस तरफ है, 75 ग्राम सब्सटेंस इस तरफ है, तो हम देखते हैं कि ये तवाज़न की हालत में। दूसरी तरफ जो हम पीछे देख के आए हैं कि एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में एक तरफ 100 ग्राम है रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स 50 ग्राम है। यहाँ पर आकर अब जो है क्या होगा कि बाज़ार में नज़र आ रहा है कि रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम हैं। इस दौरान इस स्टेज पे आके ये इक्विलिब्रियम की हालत में चले गए हैं, यानी इनमें बैलेंस आ गया है। बैलेंस की शक्ल में आया कि इनकी स्पीड बराबर हो गई है, किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की और रिवर्स रिएक्शन की, यानी जो दो रिएक्शंस प्रोसीड कर रहे हैं उनकी स्पीड बराबर हो गई है। लिहाजा हम इसको कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत है। किस शक्ल में, केमिकल रिएक्शन की शक्ल में, यानी ये फिज़िकली तो हमें ये बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, फिज़िकली ये इनबैलेंस लग रहा है कि एक तरफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स कम हैं, लेकिन केमिकली ये बैलेंस है। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ़ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ़ रिवर्स रिएक्शन ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कि इस दौरान, यानी जो इनकी कंसनट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट रहती है, इनकी कंसनट्रेशन तब्दील नहीं होती, और जो इनका फिज़िकल पैरामीटर है से कलर, डेंसिटी, ये भी जो है इनमें फ़र्क नहीं आता। यानी इक्विलिब्रियम सेट हो गया, फिर ना उस रिएक्शन का कलर चेंज होगा, जो रिएक्शन मिक्सचर का कलर बन जाएगा वही रहेगा, डेंसिटी में भी फ़र्क नहीं आएगा। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये अटेनेबल है दोनों साइड से। हमारे पास एक तरफ होते हैं रिएक्टेंट्स और दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स।
अब क्या होता है, अगर हम से शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो रिएक्टेंट्स आस्ते आस्ते तब्दील होते हैं प्रोडक्ट्स में। अगर हम प्रोडक्ट्स को एक पॉइंट ऐसा है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकाल लें तो क्या होगा, दोबारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट्स बनेंगे वो दोबारा जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में चले जाएंगे रिएक्टेंट्स के साथ। तो इस तरह हम प्रोडक्ट्स को निकाल दें तो एक दफ़ा ये सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन दोबारा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की पोजीशन हासिल कर लेगा। यानी हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेंज करने के बाद भी इक्विलिब्रियम किसी केमिकल रिएक्शन में, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है, इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो हासिल कर सकते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, यानी इनकी जो मिकदार है वो चेंज करके, इनकी अमाउंट चेंज करके रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की, टेम्परेचर चेंज करके। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम टेम्परेचर को कंट्रोल करके जो है वो, या टेम्परेचर को चेंज करके इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है उसको दोबारा अटेन भी कर सकते हैं, दोबारा सेट कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन जिनमें हम देखा कि वो अंडर प्रेशर हो रहे होते हैं तो हम प्रेशर वाले पैरामीटर को कंट्रोल करके भी जो है वो एक दफ़ा सिस्टम को डिस्टर्ब करके दोबारा उसको रीगेन हासिल कर सकते हैं। यानी ये जो रिएक्शंस हैं ये मुमकिन हैं अगर हम थोड़ी बहुत कंडीशंस को एक दफ़ा चेंज कर दें, दोबारा ये अपने इक्विलिब्रियम की हालत में चले जाएंगे। तो इसके ये 5 पैरामीटर्स हैं कि पहले जो इक्विलिब्रियम की हालत है कि इसमें सिर्फ जो है वो क्लोज कंटेनर, बंद फ्लास्क या क्लोज सिस्टम के अंदर मुमकिन होता है। अगर हम ओपन कंटेनर लेंगे तो इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट है या इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो हासिल नहीं होगी। दूसरा जो पॉइंट कि हम केमिकल रिएक्शन में, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में, केमिकल इक्विलिब्रियम को तभी कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के, इसका इनकी मिकदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे मतलब किसी तरफ से रिएक्टेंट्स कम हो सकते हैं जहाँ, या रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स कम है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स कम है, लेकिन हम वो वक्त देखेंगे जिस वक्त, जिस टाइम पर आके इन दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये अब जो है वो इक्विलिब्रियम की हालत में है। अगला पॉइंट ये कि केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट की हालत में इनके कलर, डेंसिटी वगैरह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इक्विलिब्रियम की हालत आ जाए फिर इनकी जो वो फिजिकल पैरामीटर्स हैं वो सेम रहते हैं। से हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बनता था, तो हमने देखा था कि आयोडीन जो है वो पर्पल कलर है, तो पहले उसका पर्पल रंग बड़ा नुमाया होता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है वो थोड़ा सा धुंधला जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बनने वाला हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस होता है। तो आफ्टर सम टाइम जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तो वो पहले जितना डार्क पर्पल कलर नहीं रहेगा उस रिएक्शन मिक्सचर का, बल्कि उसका हल्का सा धुंधला कलर रहेगा, लाइट पर्पल कलर, और फिर थ्रू आउट केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में वही कलर बरकरार रहेगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो ये है कि इसमें जो हमारे पास कंसंट्रेशन है इनकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो वैरी कर सकती है। मेन हमारी बात है रेट, और ये कि जो इक्विलिब्रियम है वो अटेनेबल है आइदर फ्रॉम द रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स। हम या रिएक्टेंट्स को से और या प्रोडक्ट्स दोनों में से किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करके दोबारा जो है इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो इसकी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, और ये बहुत अहम है हमारे लिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये अक्सर हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है। थैंक यू।